तुम चनंदयानंद माऊ शे नंद सहा परमित त्रिपद विंद पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार हरण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिन्वरि अर्थ त्यर्थ जो हे विनाश बब जो मुना ममलिन्यान परिलो दीप को गुरु को धर्म को साजि को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथ राज जी तत्त्वम च परम तत्त्वम परम परम भावदर्शी परम जिनम परमेष्ठी नमाम्यम परम देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु चिंतारण मूलाचार्य जी महाराज की। श्री कमलवती श्री ग्रंथादि राज की। चल रहा है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य चिंतारण तरण देव कह रहे हैं एकांत विप्रे न अधिष्ठम, एकांत मिथ्यात को विपरीत मिथ्यात को मत देखो। इस गाथा से आगे बढ़ना है जल्दी सावधान, एकांत और विपरीत मिथ्यात को मत देखो। क्या करें गुरुदेव आज्ञा बताओ के लिए मध्यस्थम विमल शुद्ध साहब, आपका ज्ञायक ज्ञान स्वभाव चैतन्य स्वभाव आपके निज घट में विराजमान है, समता भाव से राग देश आदि परिणतियों से विरक्त होके मध्यस्थ भाव से अपने कमल स्वभाव को देखो। ज्ञायक स्वभाव में रहो सावधान। आचार्य भगवान का कहना है एकांत विप्रय नष्ट, किसी भी प्रकार से एकांत पक्षों को मत देखो। अपने एकांत की परिभाषा बहुत सारी बताई है, साधारण सिंपल सी परिभाषा क्या है, इंद्रिय विषयों से कर्म जनित जितनी भी अवस्थाएं हैं, अशुद्ध आवरण रूप जितना भी परिणामन है वो सब आत्मा का स्वभाव है। जी उसे अपना मान रहा है तो एकांत है। ठीक है भैया। विपरीत क्या भैया, वस्तु स्वभाव से विपरीत अर्थात सर्वज्ञ परमात्मा जैसा वस्तु का स्वभाव कह रहे हैं उससे विपरीत मान्यता ही विपरीत मिथ्या। इस प्रकार एकांत और विपरीत जो मिथ्यात हैं इनकी ओर मत देखो। क्या होगा भाई इनकी ओर नहीं देखने से, तुम एकांत और विपरीत मिथ्यात इनकी ओर नहीं देखोगे ना भैया तो क्या होगा कि देखो भैया तुम्हारा उपयोग राग देश की परिणतियों से फ्री होगा। अपने छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए, देखो भैया गवर्नमेंट स्कूल में कॉलेज में ऑफिस में भी जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती होती नहीं होती। अपन तो 24 घंटे इंद्री विषयों के नौकर बन के अनादिकाल से संसार में नौकरी कर रहे हैं, अपने को छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत देर की चाहिए नहीं चाहिए ये बता अपने। हाँ अरे थोड़ी देर की तो ले लो, फिर परमानेंट अपन ले लेंगे, फिर रिटायरमेंट ले लेंगे, छुट्टी नहीं रिटायर हो जाएंगे। ठीक है छुट्टी की बात चल रही भैया, बहुत दिन हो गए संसार में जन्म मरण करते हुए, बहुत दिन हो गए 84 लाख योनियों के चक्कर लगाते हुए, बहुत दिन हो गए राग देश की परिणतियों में परिणमित होते हुए। कह रहे हैं भगवान आत्मा थके नहीं तुम, इतना जन्म मरण कर चुके, राग देश की परिणतियों में घूमते रहे, कर्तव्य भोक्तव्य परिणामों में आकुलित व्याकुलित होते रहे, हे जीवात्मा थके नहीं तुम, चले थक गए हो तो छुट्टी ले लो। छुट्टी ले लो मतलब कहने लगे
राग देश की परिणतियाँ जो प्रकट हो रही हैं वो एकांत और विपरीत मिथ्यात के कारण हो रही हैं। कहने लगे क्या करो, छुट्टी ले लो, अवकाश ले लो। कहने गुरु मैं अवकाश लेके क्या करें? कहने एक काम करो, राग देश की परिणतियों से विश्राम लो, अर्थात अंतरात्मा में आके ठहरो, अपने गायक स्वभाव में आके ठहरो। ये क्या करें ठहर के? कैसे ठहरें, क्या करें ठहर के? गुरुदेव कह रहे हैं भैया देखो, मध्यस्थम विमल शुद्ध स्वभावम, जो अपना शुद्ध स्वभाव है, जो अपना गायक स्वभाव है, उसको मध्यस्थ भाव से जानो। मध्यस्थ भाव से जानो मतलब क्या हुआ? देखो ये जो राग देश की परिणतियां हैं, यदि आप उनसे अवकाश लोगे तो भैया जब आप वहां से छुट्टी लोगे, राग देश की जो परिणतियां हैं उसमें व्यस्तता है ना आपके उपयोग की, जब आप वहां से छुट्टी लोगे तो आपका अंतर में जो आपका चैतन्य में स्वभाव है, मध्यस्थ भाव, अर्थात ऐसा कहो कि आपके अंतर का विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत होगा मतलब, विवेक जागृत होगा मतलब भैया देखो, भैया राग देश की परिणतियों में लगे हैं अपन, जब तक तो अपनी आत्मा सो रही है। राग देश को अपन इष्ट अनिष्ट मान रहे हैं, जब तक तो अपनी आत्मा पर पदार्थों में लगी है। तो भैया क्या करना है? जैसे ही तुम राग देश की परिणतियों से अवकाश लोगे तो अंतरात्मा जो तुम्हारा उपयोग है, उपयोग तो चेतन में है ना भैया, इसमें अवकाश लोगे, जैसे राग देश की परिणतियों से विरक्त होगे तो भैया इसे छुट्टी प्राप्त होगी। अर्थात जिसकी अनादि काल से राग देश पर्याय में व्यस्तता पड़ी हुई है, वो व्यस्तता, वो व्यापार रुकेगा। और जिस क्षण वो व्यापार रुकेगा, इंद्रिय विषयों का राग देश में व्यापार रुकेगा, उस दिन इसके अंतर का विवेक जागृत होगा, प्रज्ञा जागृत होगी। और जब आत्मा की वो प्रज्ञा जागृत होगी, वो अंतर आत्मा का विवेक जागृत होगा, तब तब जीव को अपने अंतर में ही अपना साम्य भाव, अपना सौम्य भाव, अपना समता भाव में जो आत्मा है वो अंतर ज्ञान परिणाम दिखाई देगा। जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी तब तक दिखाई देने वाला नहीं, अवकाश चाहिए ना भैया, छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि छुट्टी इसलिए चाहिए क्योंकि जब तक वहां से व्यस्तता खत्म नहीं होगी तब तक उपयोग अंतरात्मा का विचार क्यों करेगा? चिंतन ही तो करना है ना तत्व का, चिंतन के माध्यम से मार्ग बनाना है ना भैया, अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, चारित्र को ग्रहण करना है। लेकिन क्या उपाय है? लेकिन आत्मचिंतन ही मार्ग है भैया, आत्मज्ञान ही मार्ग है, अपने अंतर के विवेक की जागृति ही मार्ग है, अंतर में अपनी प्रज्ञा जागृत हो जाए, अंतर आत्मा का बोध हो जाए, यही मार्ग है भैया। अब क्या करें अंतर आत्मा का मार्ग बनाने, अंतर आत्मा का मार्ग बनाने के लिए, अंतर अनुभव का मार्ग बनाने के लिए क्या करें भैया? एक काम करो भैया, क्या करें, थोड़ी देर के लिए जो राग देश की विकार में परिणतियां हैं उनसे लो अवकाश, थोड़ी देर के लिए छुट्टी लो भैया। छुट्टी लेने से क्या होगा? तुम्हारे अंतर में जो तुम्हारा चैतन्य में आत्मा है, गायक आत्मा, तुम्हारे अंतर में जो तुम्हारा गायक में निज परमात्मा है, यानी जो ज्ञान विज्ञान में चैतन्य में आत्मा है, जैसे ही तुम अवकाश लोगे पर पर्यायों की चिंतन से, अर्थात पर पर्यायों की चिंता से जैसे ही तुम अवकाश लोगे तो तुम्हारे अंतर की अंतर आत्मा जागृत होगी। अब आप इसे विवेक की जागृति कह लो, आप इसे प्रज्ञा की जागृति कह लो। जैसे ही आप फ्री हो गए राग देश की परिणतियों से तो आपको आपके अंतर में आपका ज्ञान भाव, आपका आपका चैतन्य भाव प्राप्त हो जाएगा। और ये चैतन्य भाव की प्राप्ति मध्यस्थम, ये मध्यस्थ भाव क्यों भैया? कि ज्ञान तटस्थ है, ज्ञान किसी पर पर्याय में राग देश नहीं करता। आप जैसे ही राग देश से विश्राम लेने की भावना करोगे तो एक घड़ी के लिए, एक समय के लिए, थोड़ी देर के लिए भी, आप थोड़ी देर के लिए भी राग देश की भागती हुई परिणतियों से विश्राम लेने का भाव प्रकट करोगे, आत्मचिंतन की ओर जाओगे, तत्व चिंतन की ओर जाओगे, तो भैया अपने अंतर में वो ज्ञान में परिणाम दिखाई देगा। और वो ज्ञान में परिणाम ही क्या, कौन सा भाव भैया? मध्यस्थ भाव, अपनी भूमिका में साक्षी भाव कहो, अपनी भूमिका में गायक भाव कहना भैया, वही गायक भाव है। तो गुरुदेव कह रहे हैं
मध्यस्थम विमल सद साहबम। जब ऐसा मध्यस्थ भाव प्रकट होगा तो विमल जितने भी कर्मल हैं वो दिखाई नहीं देंगे। फिर क्या दिखाई देगा भैया? इन कर्मल से रहित जो अपना कमल में ज्ञायक स्वभाव है शुद्ध सहावम, वो दिखाई देगा। उपाय क्या है? चलिए बताओ उपाय क्या है। एकांत और विपरीत मिथ्यात् को छोड़ना। सीधी बात है, आप अज्ञान और अज्ञान में जो एकांत और विपरीत मिथ्यात् हैं, इन दोनों का त्याग करोगे तो राग देश की परिणतियां थमेंगी। राग देश की परिणति थमेंगी तो अंतरात्मा की प्रज्ञा जागृत होगी, और जो अंतरात्मा की प्रज्ञा जागृत होगी वही वही क्या है? मध्यस्थ भाव। या ज्ञान भाव ही मध्यस्थ भाव है, अपने स्वभाव को जानना ही मध्यस्थ भाव है। ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं, मध्यस्थम विमल, जो समस्त कर्मल से रहित है, जो मात्र गायक है शुद्ध स्वभावम, वही अपना शुद्ध स्वभाव है। इसलिए हे चेतनात्मा क्या करो, एकांत और विपरीत भाव को अभी मानोगे नहीं मानोगे भैया? देखो फिर वो गाथा पकड़ा गई काय की। देखो अब आपने प्रश्न करा है तो जवाब देते हैं। सावधान आत्मा, आत्मा की दर्शन ज्ञान की धाराएं तो अर्थात आत्मा उपयोग रूप तो प्रति समय परिणाम में, आत्मा का दर्शन ज्ञान चैतन्य में उपयोग तो प्रति समय परिणाम में हो रहा है, क्योंकि आत्मा का लक्षण है, प्रत्येक द्रव का लक्षण है परिणमन। परिणमन जीव का स्वभाव है, उपयोगो लक्षणो जीव, उपयोग जीव का लक्षण है और वह उपयोग प्रति समय परिणमित हो रहा है। परिणमन एक समय के लिए भी किसी द्रव पर रुकता नहीं है, जब भी तो वह द्रव है। तो अब ये उपयोग प्रति समय परिणमित हो रहा है भैया, प्रति समय इसका परिणमन चल रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि ये आत्मा दर्शन ज्ञान में स्वभाव वाला है, ये दर्शन ज्ञान में स्वभाव वाला आत्मा, ये उपयोग लक्षणों वाला जीव, उपयोग लक्षण में ये जीव आत्मा, ये प्रति समय परिणमित हो रहा है। इसकी धारा प्रति समय चल रही है, इसकी धारा को रोका जा सकता नहीं। अब बात इतनी चल रही है कि धारा चल किस रूप रही है, स्वभाव रूप चल रही है या व्यवहार रूप चल रही है। धारा तो प्रति समय चल रही है। अब आपको यह देखना है कि आपकी धारा स्वभाव रूप चल रही है या व्यवहार रूप चल रही है। यदि आपकी धारा व्यवहार रूप चल रही है, अज्ञान भाव रूप चल रही है, तो भैया आप मिथ्यात् से संयुक्त हो, आप कर्तृत्व भाव से संयुक्त हो, आप अज्ञान भाव से संयुक्त हो। आपको अपनी धारा देखनी पड़ेगी भैया, प्रतिपल प्रति समय ये जीव परिणमित हो रहा है, इसकी दर्शन ज्ञान चेतना हर पल हर समय परिणमित हो रही है। एक समय भी ऐसा नहीं है जब इसकी ज्ञान और दर्शन की धारा रुकी हो। अब भैया जब दर्शन ज्ञान की धारा प्रति समय बह रही है, प्रति समय निरंतर निरंतराल रूप से तेरा दर्शन ज्ञान उपयोग बह रहा है भैया, अब देखो दीप की गलती, जीव उस बहते हुए चेतन धारा को नहीं पकड़ रहा, आत्मा का ज्ञान और दर्शन बह रहा है ना, लेकिन इसे मिथ्या श्रद्धान होने के कारण से, मिथ्या मानता होने के कारण से और कर्म आवरण होने के कारण से। कौन कौन से कारण बताए? एक तो मिथ्या श्रद्धा और दूसरा इंद्रिय आवरण भाव। ये दो कारणों के कारण से क्या हो रहा है भैया जीव को, क्या हो रहा है? इंद्रिय आवरण भाव इंद्रिय आवरण भाव के कारण से जीव को इंद्रियों से निमित्त जो क्षयोपशम ज्ञान प्रकट हो रहा है, उस परपर्याय ज्ञान को यह जीव अपना ज्ञान मानता है। यही मिथ्या श्रद्धा, यही इसकी मिथ्या श्रद्धा, जिस कारण से, जिस मिथ्या श्रद्धा के कारण से इसकी पकड़ में इसकी दर्शन ज्ञान की धारा नहीं आ रही,
इसके पकड़ में जो इंद्रिय ज्ञान की क्षयोपशम भाव की धारा है वो धारा पकड़ में आ रही है। कुछ चित्त चढ़ी नहीं चढ़ी, चढ़ी सही बताओ, अभी हमने कुछ बोला चित्त चढ़ी नहीं चढ़ी, हाँ या ना बोलो ना भगवान जी एक दफा और भैया सावधान, ये जीव उपयोगो लक्षणों जीव, ये जीव चेतन लक्षण में उपयोग वाला है, और जब ये चेतन लक्षण में उपयोग वाला है तो इसके अंतर में इसका दर्शन ज्ञान निरंतर प्रवाहित होना। एक समय के लिए भी ऐसा समय नहीं है जिस समय इस आत्मा का दर्शन ज्ञान बहना बंद हुआ। अब भैया प्रश्न ये आता है कि जब इस जीव का निरंतर दर्शन ज्ञान बह ही रहा है, निरंतर ये जीव दर्शन ज्ञान रूप प्रणमित हो ही रहा है, तो इसे अपना दर्शन ज्ञान में स्वभाव क्यों नहीं दिख रहा, इसे अपनी चेतन धारा क्यों नहीं दिख रही, इसे अपना चेतन लक्षण क्यों नहीं दिखाई दे रहा, इसे पर पदार्थ क्यों दिखाई दे रहा है? तो अब जवाब सुनो भैया, इस जीव को आवरण भाव है, इंद्रिय आवरण भाव, मन आवरण भाव, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन जिसे कहते हैं, इस प्रकार से इस जीव को इंद्रिय आवरण भाव है। अब क्या कर रहा है भैया इंद्रिय आवरण भाव से? इंद्रिय आवरण भाव से क्या होता है भैया? इंद्रिय आवरण भाव से इस जीव को स्वतंत्रता मिलती है, एक लिमिटेड स्वतंत्रता मिलती है। कैसी लिमिटेड स्वतंत्रता मिलती है भैया? जैसे जीव एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय बराबर ही स्पर्श इंद्रिय से ही जान सकता है, जैसे जीव दो इंद्रिय है तो दो इंद्रिय बराबर ही छह उपशम से जान सकता है, ऐसे आगे बढ़ाते जाओ भैया। आज संगी पंच इंद्रिय है तो आज पांच इंद्रिय के जो विषय हैं, जो छह उपशम है, उस छह उपशम से ही ये जीव जानता है। इसलिए कहते हैं ना, मन और इंद्रियों की सहायता से मति और ज्ञान होता है। तो क्या हो रहा भैया अभी, क्या हो रहा है? इस इंद्रिय आवरण भाव से इस जीव को कितनी स्वतंत्रता मिली है कि इन इंद्रिय विषयों में जो चीज गमने में आती है, जो देखने में आता है, जो सुनने में आता है, जो रूपी पुद्गल पदार्थ है जिसे ये इंद्रिय विषय गमते हैं, जितना क्षयोपशम भाव इन इंद्रियों के निमित्त से इस जीव को प्रकट होता है, बस ये उतना ही जानता है, उसी को ज्ञान मानता है, उसी का सिद्धांत करता है, उसी को अपना रूप मानता है। इस कारण से क्या है बता, इस कारण से क्या नहीं हो रहा उसे? हम कह सही रहे हो, लेकिन हमने कुछ प्रश्न करा था जिसका जवाब हमने दिया खुद। इस कारण से क्या हो रहा है? बस इसको अपनी जो उपयोग लक्षणों, जो जीव की दर्शन ज्ञान में चेतन धारा है, वो चेतन धारा दिखाई नहीं दे रही, बह रही है आनंद की धारा, ज्ञान की धारा, दर्शन की धारा, अपने अनंत अनंत गुणों की धारा निरंतर अपने अंतर के आत्मा के सर्वांग प्रदेश में बह रही है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दिखाई दे रही? सीधी बात, ज्ञानावरणी आदि कर्म के कारण से आवरण है, और जीव उस आवरण को ही अपना खत्म। अब श्रद्धा ही मिथ्या हो गई, जब एकांत और विपरीत मिथ्यात आ गया, अनेकांत में अपनी चेतना को भूल गया, एकांत रूप जो आवरण भाव है, जो वर्तमान पर्याय है, उसे वस्तु स्वरूप से विपरीत स्वीकार कर लिया, मिथ्या मानता कर ली, तो अब क्या दिखाई देगा? बताओ क्या दिखाई देगा? बात खत्म। जहां जीव की मान्यता रहेगी, जहां जीव का उपयोग लगेगा, जिस जगह जीव की रुचि रहेगी, उस अज्ञानी मूल जीव को वो ही दिखाई देगा। भगवान कितना कह रहे हैं, तू ज्ञाता है, तू दिष्टा है, तू वीतराग है, मध्यस्थम विमल शुद्ध सहाबम। भगवान कितना कह रहे हैं भैया, मध्यस्थ भाव में रहे तू वीतरागी भगवान है, मध्यस्थ भाव में रहे तू ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, मध्यस्थ भाव में रहे तू चैतन्य चिदानंद में आत्मा है। भगवान कितना समझा रहे हैं, अपने को समझ में क्यों नहीं आ रही?
अब मिथ्यात को पी के बैठा है, मिथ्यात का जहर पी के बैठा है, इसे अतीन्द्रिय आत्मा कहां से दिखाई दे? सूक्ष्म बातें हैं भैया, ये सूक्ष्म सूक्ष्म रहस्य। यदि पकड़ना चाहो तो, अपने अनुभव से सिद्ध करना चाहो तो, स्वयं आत्मचिंतन करने की रुचि हो तो, सूक्ष्म सी बात है भैया, जीव को आवरण भाव की रुचि है, निरावरण तत्व की रुचि नहीं है। एक बात बताओ, अच्छा सही सही बताओ, जहां कर्मधारा है वहीं ज्ञानधारा है या नहीं है? जहां कर्मधारा है, जहां कर्मधारा परिणमित हो रही है, वहीं ज्ञानधारा है। लेकिन कर्मधारा पकड़ में आ रही है, ज्ञानधारा पकड़ में का है? इतना इस पुद्गल से इतना प्रेम है तुझे पकले, इस पुद्गल अचेतन जड़ पदार्थ से इतना प्रेम है कि तुझे जड़ पदार्थ जड़ पदार्थ नजर आ रहा है, चेतन ज्ञाता पदार्थ नजर नहीं आ रहा। पटक लो सिर अपना, कहां पटक ले, मिथ्या में पटक रहा है और क्या? मिथ्या मानता है, खोपड़ी में बसी हुई है, इंद्रिय आवरण को ही अपना आवरण मान रहा है, इंद्रिय विषयों को ही अपना विषय मान रहे हैं, और फिर रो रहे हैं। भैया क्या रो रहा है? हमें आत्मा का दर्शन नहीं होता। यहाँ गुरु महाराज कह के थक नहीं रहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि भैया मध्यस्थम विमल सत्य साहब, अपने मध्यस्थ भाव में रहे, अपने ज्ञाता भाव में रहे, अपने आनंद परमानंद में रहे। और जीव क्या कह रहा है? भैया हमें आत्मा दिखाई नहीं दे रहा। अब भैया ये बता, तुम्हारे लिए आत्मा क्या कहीं पेड़ से तोड़ के ले आए? सही से बता। अच्छा आज तो अपने मन से बता दो, क्या आत्मा कहीं पेड़ से तोड़ के ले आए क्या? जो इस देह देवालय में विद्यमान है, जो इस देह देवालय में प्रति समय वर्त रहा है, जो इस समय जान रहा है, जो इस समय देख रहा है, जो इस समय प्रकाश में है, वो ही तो आत्मा है, और कहां से दूसरा आत्मा ले आए? वही तो है जो इन इंद्री आवरण भाव के बीच में भी निरावरण है, वही तो आत्मा है, और कहां से ले आए? क्या करना है? कहना मध्यस्थ भाव को धारण करना, मध्यस्थम विमल सुद सह। जिस समय तू मध्यस्थ भाव को धारण करेगा, उस समय कर्म मल से रहित ये शुद्ध स्वभाव दिखाई देने लगे। एक बार तो अंतरात्मा स्वीकार कर लो भगवान जी। यहां इन संयोगी भूमिका में कर्म कर्म मात्र नहीं है, इस शरीर आदि संयोग में कर्म कर्म मात्र नहीं है, यहां तुम्हारा चेतन लक्षण में आत्मा भी विद्यमान। इतनी श्रुति आ जाए ना तो सारे काम सिद्ध हो जाए, गायक भाव दिखने लगेगा। सुन रहे हो? यदि इतनी सुरति आ जाए ना, इतनी प्रतीति आ जाए ना, यहां सिर्फ कर्म कर्म नहीं है, यहां सिर्फ राग देश नहीं है, यहां द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म आर्ट कर्म यही मात्र नहीं है, इन ये सब तो आवरण भाव है, ये तो आवरण भाव का छह उपशम है, जो जान रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं तो आवरण भाव के निमित्त से इंद्रिय छह उपशम है। भैया ये यह नहीं है, फिर इन इंद्रिय छह उपशम के पीछे अति इंद्रिय आत्मा का ज्ञान भी है। इंद्रिय ज्ञान होने से पहले अति इंद्रिय आत्मा पहले उपस्थित है, फिर इंद्रिय ज्ञान। दिक्कत तो यही है, जो सबको जान रहा है उसको ये जीव नहीं जान रहा, फिर रो रहा है भैया। जो सबको जान रहा है, जो चिदानंद में आत्मा है, जो सबको जान रहा है उसको ये जीव नहीं जान रहा, और फिर कह रहा है रुचि नहीं अपने आत्मा की। अच्छा बताओ, आत्मा की चर्चा कब से सुन रहा है? मनुष्य भाव में अपन 10-10 साल हो गए, स्वाध्याय करते करते कितने कितने दिन हो गए भाई, एक ही बात रटते रटते कितने दिन हो गए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं।
जब अपन ये बात सुनते हैं कि इतने दिन हो गए अपने को स्वाध्याय करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, उसके बाद अपन ये बात सुनते हैं कि अपने को आत्मा की रुचि नहीं है, धक्का नहीं लगता? बता भगवान आत्मा, इतने दिन हो गए अपने को आत्मचिंतन करते करते, तत्व चिंतन करते करते, स्वाध्याय करते करते, निरंतर स्वाध्याय करते करते इतने दिन हो गए, और कोई अपने से कह दे भैया ये सब करते करते भी अपन सबको आत्मा की रुचि नहीं है, धक्का नहीं लगता? तो फिर हम कर क्या रहे हैं, भाड़ में चने झोंक रहे हैं क्या? सही बताओ। सुबह शाम पूरा समय शक्ति उपयोग लगा रहे हैं, सबसे समय निकाल रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, चैत्यालय चैत्यालय आ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, ये ना क्या नहीं कर रहे हम, और आप कह देते हो रुचि नहीं है। आप उठाया और रख के दे दिया कि रुचि नहीं है, हम कर क्या रहे हैं? बस सीधी बात यही है, अपन यहां बैठ के अभी अपनी रुचि को ही बढ़ा रहे हैं। जिस दिन रुचि बढ़ जाएगी उस दिन इतना समझाना बुझाना नहीं पड़ेगा। आप एक बात बताएं, सही बात बताएं, जितने आपके यहां लोग बैठे हैं ना, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर में बैठे जाकर देख लो, उससे ज्यादा भगवत कथा में जाकर बैठे, जितने यहां लोग बैठे हैं ना, उससे अनंत अनंत गुना ज्यादा लोग भगवत कथा में जाके बैठे हुए, रामायण में जाके बैठे हुए, और उससे भी ज्यादा लोग मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ते हुए देखेंगे आप। ये रुचि का प्रमाण नहीं है, फालतू बातें सब। ये भैया देखो, भीड़ तो कहीं भी लग सकती है, भीड़ लगने का प्रमाण ये थोड़े मानेंगे कि आपको रुचि है। और भीड़ लगने का प्रमाण रुचि मानते तो भैया सब जगह ज्यादा ज्यादा भीड़ लग रही है, यहां से ज्यादा भीड़ है। भैया सल्टो सलटने का टाइम है, देखो हम फिर से बोल दे रहे हैं, अनादिकाल से ये जीव क्या कर रहा है भैया, फिर से सावधान, इसकी उपयोगो लक्षणों जीवा, इस जीव का लक्षण क्या है, उपयोग, और वह उपयोग प्रति समय अपने दर्शन ज्ञान में परिणमे हो रहा, लेकिन मात ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी आदि मोहिनी आदि कर्म के कारण से, अंतराय भाव के कारण से क्या हो रहा भैया, इंद्रिय आवरण रूप क्षयोपशम जो इसको प्रकट है, इंद्रिय ज्ञान जिसे कहते हैं, भाव इंद्रिय जिसे कहते हैं, उस भाव इंद्रिय ज्ञान में ही, उस भाव इंद्रिय ज्ञान को ही ये आत्मा अपना ज्ञान मान के बैठ गया है, और इसके पीछे जो अतींद्रिय ज्ञान है, चेतन में जो अतींद्रिय ज्ञान है, इसका जीव को बोध नहीं है। अब कर लो साधना, काहे की साधना करो, इंद्रिय ज्ञान सहित उपवास कर लो, नियम कर लो, व्रत कर लो, तपस्या कर लो, पहाड़ पे जाकर रहने लगो, जंगल में जाकर रहने लगो, तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन पर पर्याय दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि इंद्रिय पर्याय से हटने वाली नहीं है, तुम्हारी दृष्टि अतींद्रिय ज्ञान विज्ञान में अपने चेतन सत्व के प्रकाश को गमने वाली नहीं है। जब तक इन इंद्रियों से इन इंद्रियों से और इस मन से परे अपने चैतन्य में तत्व का बोध नहीं आएगा, चेतन आत्मा मध्यस्थम, जब तक मध्यस्थ भाव नहीं आएगा तब तक विमल स्वभाव का अनुभव होने वाला नहीं, जिसे ज्ञायक कह रहे हैं वो ज्ञायक आत्मा अंतर में मिलने वाला नहीं है। जल्दी करो, देर मत करो, समय बीत रहा है। ए चेतन आत्मा, अब तो जान लिया ना, अब तो पता लग गया ना भैया कि मेरा दर्शन ज्ञान इस समय बहरा है, अब तो पता लग गया ना कि इन इंद्रियों के पीछे मेरा अतींद्रिय ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है, लग गया ना पता, अब तो देख लो नहीं, अब तो सच्ची स्वीकारता कर लो, जो भाव इंद्रिय ज्ञान है वो अज्ञान है, और जो अतींद्रिय ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है वो ही
अब तो मान जाओ ना भैया, जिस ज्ञान में आत्म तत्व की रुचि है, आत्मा प्रतीति में झलक रहा है, वो ही सच्चा ज्ञान है। और जो ज्ञान इंद्रिय विषयों को जान रहा है, वो पूर्णता अज्ञान है। अभी मानोगे या नहीं मानोगे? यदि सच्ची श्रद्धा कर लोगे तो तुम्हारी रुचि इन इंद्रिय ज्ञान से पलट के अतीन्द्रिय ज्ञान की ओर आने लगेगी। और जिस दिन तुम्हारी रुचि अतीन्द्रिय ज्ञान अंतरोन्मुख होने लगी, उस दिन तुम्हारा मोक्ष मार्ग सोते सोते रात में भी चलेगा, जगने की जरूरत ही नहीं भैया। और जिस दिन जब तक ये रुचि बाहर की ओर है, पर पर्याय की ओर है, इंद्रिय विषयों की ओर ही है, तब तक तुम जंगल में भी रहो तो मोक्ष मार्ग चलने वाला नहीं। देखिए, मोक्ष मार्ग अंतरोन्मुख दृष्टि, अंतरोन्मुख उपयोग, शुद्ध स्वभाव की रुचि से चलता है। मोक्ष मार्ग क्रियाकांड आडंबर से। अब तो रुचि करो भैया, अब तो श्रद्धा जगाओ, अब तो अपने चैतन्य में आत्मा की श्रद्धा जगाओ, अब तो अपने ज्ञायक तत्व की श्रद्धा जगाओ। मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही मध्यस्थम विमल शुद्ध सहा। हमने गाथा चालू करने के पहले गाथा कि हमें अगली गाथा पर जाना है, लेकिन इस गाथा का मैं क्या मालूम कौन सा ब्रेक लगा हुआ है। गुरु महाराज कह रहे हैं आगे नहीं जान दे रहा है। दूसरा दिन है आज, चार टाइम होगा, आगे नहीं जान दे रहे। हाँ वो क्या करें, गुरु महाराज वहां से आगे बढ़ने नहीं दे रहे। हमने अभ्य लिखा था ना, अभ्य इस गाथा को एक मिनट बोल के अपन अगली पे जा रहे हैं, शुरुआत यही बोले करी थी ना, लेकिन अब वो आगे नहीं बढ़ रही। हम क्या कर लें, आपने प्रश्न कर लिया, अब चर्चा निकल आई, कुछ नहीं कर सकते। अब थम गई गाड़ी वहां कि भैया अब आप इंद्रिय ज्ञान छह उपशम को स्वीकार करोगे या आपकी प्रकाशमान ज्योति मां जगमगा रही है उसे स्वीकार करो। जो कर्मधारा रूप परिणमन दिख रहा है, भाव इंद्रिय रूप परिणमन दिख रहा है, जो भाव वासना दिख रही है, इंद्रियों की भाव वासना, भाव इंद्रिय रूप ज्ञान, जड़ पुद्गल इंद्रिय तो बाहर है, इन जड़ पुद्गल इंद्रिय से जो भाव इंद्रिय, जो भाव ज्ञान प्रकट हो रहा है, सुख दुख अच्छा बुरा साता साता का निर्णय, अपना पराया का निर्णय, ये सही है ये गलत का निर्णय, जितने विचार जितने भाव इन इंद्रिय निमित्त से, भाव इंद्रिय से, भाव इंद्रिय रूप जितना भी परिणाम दिख रहा है, देखना सुनना बोलना बताना, इस भाषा वर्णा रूप, ठंडी रूप सर्दी रूप, भूख रूप प्यास रूप, कहने लगे सब इंद्रिय ज्ञान है, भाव इंद्री, ये सब भाव इंद्रियों अर्थात ये सब इंद्रिय के छह उपशम से होने वाला ज्ञान है, इसमें आत्मा का कोई भी रोल, ये पूरा ज्ञान है, टोटल टोटल मानोगे, आंखों से देखना ज्ञान है, मान पाओगे, कानों से सुनना ज्ञान है, यदि आप इन भाव इंद्रिय ज्ञान को ही सत्य मान रहे हो तो अज्ञान। यदि वस्तु स्वरूप का विचार है, तत्व का निर्णय है, सच्ची श्रद्धा है, अनेकांत में जिन धर्म को जानते हो, तो फिर सब सम्यक्त होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अति इंद्रिय को देखोगे तो फिर जो दिखाई देगा वो अपना प्रतीत नहीं होगा, वो असत्य प्रतीत होगा। जो इंद्रियों से जानने में आएगा, सुनाई देगा, उसमें मेपने की मान्यता नहीं रहेगी, वो सब पराया दिखाई देगा। और जब सब नश्वर दिखाई देगा, पराया दिखाई देगा, पर पदार्थ दिखाई देंगे, तो चेतन आत्मा मध्यस्थ भाव तो अपने आप ही निकल के बाहर आ ही जाएगा। क्योंकि पराया देखने वाला ज्ञायक के अलावा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, पराया देखने वाला ज्ञायक के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। स्वीकार करोगे या नहीं? चेतन आत्मा अंतरात्मा से स्वीकार करोगे या नहीं? फिर से गाथा बोल रहे हैं, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं एकांत विपरे ना डिस्टर्ब, एकांत और विपरीत मिथ्यात को मत देखो। क्यों नहीं देखें गुरु महाराज? यदि इन्हें देखोगे
तो इंद्रिय ज्ञान में फंसे रहो। यदि इन्हें देखोगे तो जो इंद्रियों के निमित्त से क्षयोपशम भाव प्रकट हो रहा है, क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं जिसे, उस क्षयोपशम ज्ञान में ही उलझे रहोगे। फिर क्या करें, लेकिन मध्यस्थम इस क्षयोपशम से परे तुम राग देश की जो परिणतियां उत्पन्न हो रही ना क्षयोपशम में कि भैया जैसे जैसे आंखों से आपने देखा कोई भी पदार्थ को देखा तो उसमें मेरा तेरे रूप, अच्छे बुरे रूप, सुख दुख रूप, क्या जो धारणाएं उत्पन्न हो रही ना, क्या ना उन राग देश की परिणतियों से हटो, थोड़ी देर के अलग हो, तो क्या होगा भैया, क्या ना मध्यस्थम जो अपने अंतर में शांत सुन निराकार जो चेतन में अतीन्द्रिय आत्मा है वो मध्यस्थ भाव बहता हुआ जानने में आएगा, अपना उपयोग पकड़ में आएगा, अपनी चेतना जानने में आएगी। विमल वो चेतना जो कर्मल से रहित है, वो चेतना जो समस्त कर्म आवरणों से रहित है, मध्यस्थम विमल शुद्ध स्वभावम, और वो ज्ञायक दत्त भगवान आत्मा शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाए। और सुनो गुरुदेव ने इतना ही नहीं कहा, उनने कहा शुद्ध स्वभावम उत्तम, ऐसा ही शुद्ध स्वभाव कहा है जिनेन्द्र भगवान ने, याद रखना ऐसा ही शुद्ध स्वभाव को प्रकट करने का मार्ग कहा है, ऐसे ही शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति का मार्ग कहा है, शुद्ध स्वभावम उक्तम। राग देश को नहीं कहा जिनेन्द्र भगवान ने, मोह ममत इंद्रिय विषय मिले हैं आज पुण्य के उदय हैं तो पाप विषय का भोग करने के लिए आज्ञा नहीं दी जिनेन्द्र परमात्मा ने, इन इंद्रिय विषय क्षयोपशम ज्ञान में उलझ के अपनी आत्मा का पतन करने की आज्ञा नहीं दी। क्या आज्ञा दी जिनेन्द्र भगवान ने, शुद्ध स्वभावम उक्तम, इस शुद्ध स्वभाव के अनुभव को प्रकट करने की आज्ञा दी है, जो इन इंद्रियों से पहले भी है, अनादि अनंत है, वो अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। अरे भगवान आत्मा, इंद्रियों का क्षयोपशम तो पुण्य उदय बढ़ता है तो बढ़ता जाता है, पाप उदय बढ़ता है तो कम होता जाता है, लेकिन अतीन्द्रिय आत्मा तो अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा तो अनादि काल से जैसा का तैसा है, जिसके ज्ञान में कोई कमी नहीं आई, जिस ज्ञानवात आत्मा में कोई भी कमी नहीं आई, वो अतीन्द्रिय गायक में आत्मा तो जैसा का तैसा। क्या करें गुरुदेव, शुद्ध स्वभावम उक्तम, मैं से शुद्ध स्वभाव को कह रहा हूं तो आज्ञा तो बताइए, ममल दृष्टि, तुम ऐसे ममल स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में देखना, मानोगे या नहीं मानोगे, पहले कर्मल से रहित, इन इंद्रिय आवरण से रहित, इन मन की इच्छाओं से परे ममल दृष्टि जो अतीन्द्रिय ममल स्वभावी आत्मा है, ममल दृष्टि उसको ही अपनी दृष्टि में देखो, क्या होगा इससे, क्या होगा, ममल दृष्टि ममल दृष्टि से ही अपने स्वभाव को देखो, क्या होगा इससे, कम क्षिपनम चा, जितने भी द्रव कर्म है, भाव कर्म है, नौ कर्म है, द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सारे के सारे है, विश्वास मानोगे या नहीं मानोगे, मानोगे या नहीं, इंद्रिय क्षयोपशम भाव को देखते रहोगे, इंद्रियों के विषयों में जो दिखाई दे रहा है, इंद्रिय विषयों से जो गमने में आ रहा है उसी की तरफ दृष्टि रखोगे, या आचार्य भगवान जो कह रहा है उसे मानोगे, मानोगे। तो उनका कहना है कि मध्यस्थम इन इंद्रिय ज्ञान से पहले अपना अतीन्द्रिय गायक दत्त परमात्मा, एक बार अंतरात्मा से सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धान करके उसे देखने की रुचि लगाओ ना भगवान जी, कर्मधारा चलने के काल में भी ये कर्मधारा चलने के काल में भी, कर्मधारा के चलते परिणमन के बीच में भी अपना अतीन्द्रिय ज्ञान तत्व इस समय यहां विद्यमान है। नहीं भैया, हाँ दृढ़ श्रद्धा बोलो, सर्व भगवान की
आंखों में जो दिखाई दिया है, सर्व भगवान ने जैसा केवल ज्ञान में तत्वों को जाना है वैसे ही श्रद्धांग का काम है यहां। जैसा सर्वज्ञ देव ने जाना कहा है, जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने वस्तु के स्वरूप को कहा है वैसे ही श्रद्धांग का काम है यहां। यदि उससे थोड़ी भी ऊंच नीच करी आपने, यदि आपने उसमें थोड़ी भी संधि डाली, उसमें आपने थोड़ा सा भी दाव पेच लगाया, थोड़ी भी आर पेच लगाई, थोड़ा सा भी संचय आदि भाव उत्पन्न करे तो वो सिद्धि होने वाली सिद्धि नहीं होगी। भगवान जी गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, ममल दृष्टि चा कम क्षपनम चा। देखो भैया कितनी अद्भुत बात है कि यदि अपन ये कर्मों का जो क्षयोपशम कर्म आवरण से जो इंद्रिय भाव रूप जो कर्मों का क्षयोपशम भाव प्रकट है, यदि इस क्षयोपशम भाव की ओर देखेंगे तो आश्रव और बंद होगा। देखो सावधान, यदि हम इन कर्मों के क्षयोपशम भाव की ओर देखेंगे तो आश्रव और बंद होगा, और यदि इन क्षयोपशम भाव से परे जो इंद्रियों से जो भाव ज्ञान इंद्री जो अंतर में जिसे भाव इंद्री कहते हैं, ये भाव इंद्री रूप जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, यदि इस ज्ञान से परे यदि अपन ज्ञायक स्वभाव को देखेंगे, ये जो भाव इंद्री से जो ज्ञान प्रकट हो रहा है ना, इसे अज्ञान मान के इसे असत्य मान के अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को देखेंगे तो ममल दृष्टि इसे ममल स्वभाव की दृष्टि से कम क्षिपनम चा, सारे के सारे कर्म खिप जाए। मही के मही दो काम होंगे भैया, यदि इंद्रिय ज्ञान आवरण क्षयोपशम भाव को देखोगे तो कर्मों का आश्रवण बढ़ेगा, और वहीं उसी स्थान पे यदि अपने ममल स्वभाव की दृष्टि को अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को देखोगे तो आश्रव और बंद मिला जाएगा। अपनी रुचि बता दो भैया कहां की, अतीन्द्रिय की है या इंद्रिय ज्ञान की। देखो भैया चर्चा अपनी हो चुकी है कि कर्म धाराएं तो बह ही रही हैं, जीव संसार में है जब तक कर्म धाराएं तो बह ही रही हैं, लेकिन भैया ये जीव यहां है तो इसकी दर्शन ज्ञान में शक्ति भी बह रही है, अपनी चेतना से विमुख होके नहीं है जीव यहां, अपनी चेतन शक्ति को छोड़ के नहीं है यहां, अपनी चेतन शक्ति के सहित ही इन कर्मों के बीच में ये जीव आत्मा है। अब आपको रुचि काय की है, जीव की अतीन्द्रिय आत्मा में ऐसी अनंत शक्ति की, या फिर पर पदार्थों में क्षयोपशम भाव से जो इंद्रिय आवरण दिखाई दे रहा है उन इंद्रिय आवरण की काय की रुचि, रुचि बता भगवान जी रुचि काय की रुचि, काय की है, अरे हम तो रुचि पूछ रहे हैं ये काय की है, सही बोलना, क्योंकि यदि अतीन्द्रिय स्वभाव की रुचि होगी तो ये इंद्रियों से जो भी क्षयोपशम प्रकट हो रहा है, चाहे कान से सुनने रूप आंख से देखने रूप, इसी इस पूरे परिणाम पर विश्वास होने वाला ऐसा लगेगा झूठ है स्वप्न है, ऐसा लगेगा कल्पना चल रही है कल्पना, जैसे रात्रि में अपन स्वप्न देखते हैं ना, जैसे थोड़ा सा होश आता है तो क्या लगता है, अरे स्वप्न था कल्पना चल रही थी मात काल्पनिक दृश्य था, ऐसा ही जैसे तुम्हें ये पता लगेगा ना कि इंद्रियों से ये पंच इंद्रियों से मन से जो ज्ञान प्रकट हो रहा है इंद्रिय ज्ञान, कहने लगा ये मात कल्पना है काल्पनिक है, एक समय का काल्पनिक दृश्य है, और कहना आत्मबोध जागते ही सारा का सारा बिला जाएगा असत्य हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जैसे स्वप्न देख रहे हो, प्राण नहीं बचेंगे इंद्रियों में, इंद्रियों में प्राण नहीं बचेंगे मतलब भैया क्या इंद्रियों का परिणमन रुक जाएगा, इंद्रियों का परिणमन भी चलेगा और इंद्रियों का क्षयोपशम भाव जैसा है वो भी प्रकट होगा, क्यों, क्योंकि वो कर्म धारा से उत्पन्न हुआ भैया, परिणमन भी चलेगा और इंद्रियों के क्षयोपशम ज्ञान रूप जो पर्याय निमित्त है जो गे बनना है वो गे भी बनेंगे, लेकिन चमत्कार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा
सकता। और कोई बताओ भाई, बहुत लंबी प्रोसेस, छोटी सी प्रोसेस बताओ, कोई क्या होगा? अरे हम तो खुद कितने बार बोल चुके क्या हो जाएगा। अरे इंद्रियों से जो प्रकट ज्ञान है, ये जो इंद्रियों से जो प्रकट ज्ञान है, यदि अपने को ये बोध आ जाए, क्या भैया ये तो कल्पना है, ये तो काल्पनिक दृश्य है, ये तो मात्र काल्पनिक दृश्य है, ये तो घटना है। तो मैंने आपसे कहा जैसे आपको ये बोध आएगा तो ये इंद्रिय निष्प्राण हो जाएंगी। निष्प्राण हो जाएंगी मतलब भैया सरल सी बात है भैया, जो अभी इन इंद्रिय विषयों में जो तीव्र आसक्त परिणाम है, जो आवरण भाव है, जो इनकी मान्यता है, मान्यता, वो मान्यता खत्म हो जाएगी तो इंद्रियां क्या होंगी? निष्प्राण। परिणमन चलेगा लेकिन प्राण नहीं रहेंगे, इसे कहते हैं ज्ञायक। परिणमन चलेगा, परिणमन रुकेगा नहीं, लेकिन आत्मा मध्यस्थम विमर सदसा, आत्मा साक्षी हो जाएगा भगवान जी। अरे भगवान कभी कल्पना भी करते हो कि ऐसे हमारा जीवन हो सकता है? कभी भावना भी भाते हो कि जगत का परिणमन चलेगा और मैं मात्र जानूंगा और देखूंगा, बस इंद्री भाव, इंद्री विषय, क्षय संभाव, ज्ञान सब रहेंगे लेकिन मुझे राग देश की परिणति प्रकार नहीं होगी। भावना भी करते हो नहीं करते कभी ऐसी भगवान आत्मा? थोड़ा सा समय और बचा भाई, गुरुदेव की इस बात को स्वीकार करने के लिए शुद्ध स्वभाव मुक्तम, जिन्हें भगवान ऐसे शुद्ध स्वभाव को ही कह रहे हैं, ऐसे मध्यस्थ भाव को ग्रहण करने की विधि कह रहे हैं भगवान जी। अपन कहते तो हैं कि आत्मा में रहना है, ज्ञायक तत्व में रहना है, लेकिन ज्ञायक तत्व में रहा कैसे जाता है ये विधि आचार्य भगवान बता रहे हैं। ज्ञायक तत्व को उपलब्ध करने का मार्ग आचार्य भगवान, आचार्य परमात्मा बता रहे हैं। ये ममल दृष्टि इंद्रिय आवरण के बीच में उसके लगा हुआ अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव भी है। अच्छा बता दो, आप खुद बता दो, क्या ये इंद्रिय जितना भी आवरण है, ये सारी कर्म धाराएं हैं, क्या ये आत्मा के बिना परिणमित हो सकती है? बताओ, मतलब इन कर्म आवरण का परिणमन चलने के लिए भी आत्मा को उपस्थित होना, जबकि आत्मा से कोई संबंध नहीं है, आत्मा से अत्यंताभाव रूप है, आत्मा से अत्यंताभाव रूप है कर्मधारा है, आत्मा से इन कर्मधाराओं का कोई संबंध नहीं है। उसके बाद भी आत्मा के संयोग में होने से, एक एक देश संबंध होने के कारण से ये कर्मधाराएं वहीं परिणमित होती हैं जहां आत्मा हो, लेकिन भगवान आत्मा, ये जरूरी नहीं है कि आत्मा इनमें लिप्त हो। वहां आत्मधारा भी है और कर्मधारा भी है। अब आपकी रुचि यदि आत्मधारा की होगी, चैतन्य धारा की होगी, तो आप उन कर्मधारा से भिन्न मध्यस्थ भाव का अनुभव करोगे, और आपकी रुचि यदि इंद्रिय आवरण विषय पदार्थों की होगी तो आप राग देश में उन पुद्गल आवरण का अनुभव करोगे, सुख दुख का अनुभव करोगे, भूख प्यास का अनुभव करोगे, लाल काला पीला हरा गुलाबी, ये इंद्रिय विषयों से जानने में आने वाले स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुकर्ण, बस यही यही दिखाई देंगे, क्षयोपशम भाव दिखाई देगा बस, अशुद्ध इंद्रिय आवरण क्षयोपशम, ज्ञाता भाव नहीं दिखाई देगा भगवान आत्मा। अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ गुरुदेव की बात भैया,
अब तो धोखे तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अभी तक तो? अनंत काल से तो दो के एक दिख रहे थे भैया, दो के एक दिख रहे थे, मतलब जो कर्म आवरण से जो भाव प्रकट हो रहा था वो आवरण भाव ही अपना मानने में आ रहा था। अनंत काल से तो दो के एक दिख रहे थे, इसलिए मन इंद्रिय विषय वासनाओं की ओर भाग रहा था, इसलिए मन कसायों की ओर भाग रहा था, इसलिए मन भौतिक सुख की ओर भाग रहा था। क्यों? क्योंकि दो के एक नजर आ रहे थे, इसलिए मन की इच्छाएं मन की कामनाएं पांच इंद्रियों के विषयों की ओर ही भाग रही थी। लेकिन भगवान आत्मा अब तो दो के दो दिख रहे हैं, अब तो अपने पराये का श्रद्धान हो रहा है, अब तो मेरा क्या है, मेरा ज्ञान स्वभाव क्या है और इंद्रियों का क्षय संभाव क्या है, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी, अब तो जड़ अलग और चेतना अलग, अब तो कर्मधारा भिन्न और ज्ञान धारा भिन्न, अब तो दो के दो जानने में आ रहे हैं ना। अब क्या समस्या, अब तो बताओ, अब बताओ, अब क्यों नहीं होते आत्मा के दर्शन, अब क्यों नहीं लगती अंतर आत्मा की रुचि, अब क्यों नहीं होता अंतरोन्मुख परिणमन, अब क्यों नहीं दिखाई देता ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, अब क्यों नहीं दिखता? अभी तक तो बहाना था ना भैया कि हम दो के दो जानते नहीं है, दो के दो देख नहीं पाते, दो के दो है कैसे हमें पता ही नहीं लग रहा। अब तो सर्वज्ञ की वाणी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया ना भैया, कि कर्मधारा क्या है, कर्मधारा से जानने में क्या आ रहा है, ज्ञान धारा क्या है, ज्ञान धारा से जानने में क्या आ रहा है, दोनों बात बराबर बराबर दिख रही है ना, कि इंद्रियों के क्षय संभाव से जो भी दिख रहा है वह अज्ञान है और इसके पीछे जो जान रहा है देख रहा है वो सर्वांग शुद्ध आत्मप्रदेशी आत्मा, वो ज्ञान है। एक ही जगह दोनों उपस्थित है, कर्मधारा भी उपस्थित है और ज्ञान धारा चैतन्य धारा आत्मा भी उपस्थित है। अब तुझे भूख काय की, एक ही थाली एक ही स्थान पे दो प्रकार के भोजन रखे हैं भैया, एक सात्विक भोजन भी रखा है और असात्विक भी रखा, अवक्ष भी रखा है और भैया सोला का भोजन भी रखा हुआ है, रुचि काय की? एक ही उपयोग के सामने इंद्रिय क्षय सम आवरण भाव भी है और वो ही उपयोग अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूप भी है। अब आपको काय की रुचि है? नहीं पता, नहीं पता, कर लो भैया। देखो गुरुदेव के वचन है, सर्वज्ञ की वाणी है, कैसे भी कर लो लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लो, इसके बिना मध्यस्थ भाव की प्रकटता नहीं होगी, मन की आसक्ति नहीं मिलाएगी, समता भाव ज्ञाता भाव में नहीं रह पाओगे। जीवन भर कहते रहोगे भैया हमें समता भाव में रहना है, हम शांत नहीं रह पाते भैया, हम ज्ञाता भाव में नहीं रह पाते, जीवन भर ये कहते रहोगे लेकिन कभी समता भाव नहीं आएगा। सभी भी कहा था जब तक ममता नहीं छोड़ोगे समता भाव आने वाला नहीं। इसलिए मान जाओ कि इंद्रिय क्षय संभाव, अरे अब तो ये समझो कि हाथों पे रख के दिखा रहे हैं आचार्य भगवान कि देखो ये इंद्रिय क्षय संभाव है, ये जो बकबक हो रही है ना, कान से जो सुन रहे हो ना, कह लगे इंद्रिय क्षय संभाव और इसके पीछे जो आत्मा जान रहा है वो अतीन्द्रिय गायक स्वभाव, हाथों पे रख के दिखा रहे हैं भगवान कि जो ये शब्दों से कहा जा रहा है ये शब्द पकड़ने योग्य नहीं है, शब्दों में जो अभिप्राय कहा जा रहा है वो भीतराग तत् पकड़ने योग्य है, हाथों पर रख के दिखा रहे हैं भैया कि कान से जो सुन रहा है वो आत्मा नहीं है। तो फिर जो इस ज्ञान ये इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होने से पहले भी जो जान रहा है वो आत्मा है। तुम ये तो बताओ, स्पष्ट दिखा रहे हैं, स्पष्ट झलका रहे हैं ये आत्मा क्या है और पर पदार्थ क्या है।
उसके बाद भी भैया अपन उस जानने वाले को, उस चेतन में आत्मा को, उस गायक स्वभाव को स्वीकार ना करके यदि अपन भौतिक सुख साधन में, पाप विषय कषाय में, इंद्रिय विषय भोगों में, इंद्रिय व्यसनों में, पाप में, परिग्रह में, इस संसार के जन्म मरण में यदि अपना जीवन व्यतीत कर अपना अपना जीवन निकाल दे तो अपने से बड़ा मूर्ख और कोई भी नहीं। अरे कम से कम सच्चा निर्णय तो करो इस जीवन का, अपने जीवन को सही दिशा तो दो। आचार्य भगवंतों की वाणी सुन के, ये ज्ञानियों का उपदेश सुन के अपने जीवन को सम्यक दिशा तो दो कि भगवान जी इंद्रियों से जो भौतिक सुख दिखाई दे रहा है वो पल दो पल का है और जो अतीन्द्रिय आत्मा है वो शाश्वत है, शुद्ध है और अनादि। कम से कम सही गलत का निर्णय तो करो। यदि सही गलत का निर्णय होगा भगवान जी, सही गलत का निश्चय होगा तो ये अपन आत्मा में और पर पदार्थों में भेद कर पाएंगे भाई। और ये सही गलत का यथार्थ निर्णय नहीं होगा तो कभी अपन अंतरात्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। शुरुआत तो करो कि मैं ज्ञायक स्वरूप परमात्मा और पर पदार्थ मुझसे पक्का। कोई सल, कोई चिंता, व्याकुलता, भगवान के वचनों में कोई संशय, कुछ भी तो नहीं। याद रखना भैया, यदि भगवान की वाणी में संशय हुआ, भगवान के वचनों में सल्ल हुई, भगवान के वचनों को ग्रहण करने में आकुलता हुई, तो भैया जो भगवान के वचनों को ग्रहण करने में आकुलता करता है, भगवान के वचनों को जानने में विकल होता है, विकल करता है, वो विकलत्र पर्याय में जन्म लेता है। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री पर्याय में चले जाओगे भगवान आत्मा, अंतर आत्मा की शुद्ध मिलने वाली। अब तो सल्टोगे नहीं भगवान, जिन वाणी सुन रहे हो, जिनेन भगवान की वाणी सुन रहे हो, अब तो अंतर आत्मा का बोझ जगाओगे या नहीं? क्या कह रहा है? शुद्ध स्वभाव उक्तम। कौन सा शुद्ध स्वभाव कह रहा है? अतीन्द्रिय आत्मा, अपना ज्ञायक स्वरूप शुद्ध स्वभाव उक्तम ममल दृष्टि। क्या देखना पड़ेगा? ममल दृष्टि, अपने ज्ञायक स्वभाव को। ममल दृष्टि च कम क्षिपनम च, ऐसे ममल अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव पर दृष्टि पड़ते ही ये सारे के सारे कर्म क्षय हो जाए। ऐसा सदगुरुदेव का उपदेश है भाई। मान लोगे, स्वहित कर लोगे तो संसार जन्म मरण छूट जाए, और नहीं मान पाओगे, नहीं स्वीकार कर पाओगे तारण तरण देव की वाणी को, नहीं स्वीकार कर पाओगे इन सदगुरुदेव के उपदेश को, तो अनंत 84 लाख योनि परिभ्रमण करना पड़ेगा। निश्चय अपना है, आत्मा अपनी है, इसे दुर्गतियों में ले जाओ तो तुम्हारी मर्जी, और आत्मा तुम्हारी है, इसे शाश्वत सुख का भोग कराओ तो तुम्हारी मर्जी। भैया निर्णय तो अपना है, अपने को कहाँ रहना है, दुर्गतियों में या सिद्ध सलाह में? कहाँ रहना है, कहाँ रहना है? दुर्गतियों में, सिद्ध सलाह में। देखो भैया, आज ये जिनन भगवान की वाणी सुनने मिली है, आज ये अपूर्व अवसर आया है कि सर्वक परमात्मा की वाणी अपने को सुनने मिल रही है, आत्मदर्शन की विधि अपने को जानने मिल रही है, मध्यस्थ स्वभाव समता भाव में अपने कमल स्वभाव को देखने का मार्ग बता रहे हैं गुरुदेव, और आज अपन प्रसाद जगाएं, इस अपूर्व अवसर में अपनी अपूर्व अपूर्व भावनाओं को भालें, अपने अंतर में अपने कल्याण की भावना को भालें, मनुष्य जीवन को सार्थक करने की भावना भालें। भैया मनुष्य भाव मिला है सिर्फ आत्म कल्याण करने के लिए, यदि आत्म कल्याण की भावना को प्रबल कर लें, तत्व की रुचि लगा लें, तो ही इस जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो इस जन्म मरण से छूटने वाले अपूर्व अवसर है। भैया यदि आपको अच्छा लग रहा है गुरुदेव का मार्ग, यदि आपको रुच रही है गुरुदेव की वाणी, यदि आपके अंतर से बहुमान आ रहा है सदगुरु के वचन सुन के, तो भैया जल्द से जल्द सभी जीव अपना काम बनाए और संसार की जन्म मरण की यात्रा को खत्म करें। यही आचार्य भगवान का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभा सदगुरु तारण तरला आचार्य जी महाराज।
विश्वेश्वरी की जय हो, विकी जय हो, जय हो, जय हो। बंद करना है या भजन चालू करना है? जल्दी चालू करो। जो अपूर्व अफसर की चर्चा कर रहे थे, उसी अपूर्व अफसर का एक